संत एकनाथ जी महाराज महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े परम संत हुए। संत एकनाथ जी महाराज जी का ऐसा नियम था कि वो गोदावरी के अंदर स्नान करने के लिए पूर्णिमा को जाया करते। अब उन्होंने एक प्लानिंग कर ली, एक बच्चे को तैयार कर दिया। कहने लगे भाई ऐसा है कि आप संतों को, संत एकनाथ जी महाराज जी को बस क्रोध में ले आओ, आपको पुरस्कृत किया जाएगा। एक बच्चा था वो तैयार हो गया। उसने कहा कि मैं संत एकनाथ जी महाराज जी को क्रोध के अंदर ले आऊंगा। अब क्या हुआ कि संत स्नान करने के लिए जब गए, गोदावरी के अंदर स्नान करने के लिए गए, तो वो जो व्यक्ति था, वो जो बच्चा था, वो एक वृक्ष के ऊपर बैठ गया। जैसे ही वो वहां से गुजरे, उसने क्या किया, कूड़ा कचरा उनके ऊपर डाल दिया। संत कौन जिसके भीतर धैर्य हो, जिसके भीतर सहन शक्ति हो, जो उसकी रजा के अंदर राजी रहता हो, जो एकदम से उतावला ना हो जाता, कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन उसके अंदर चेंज ना हो, परमात्मा का शुक्र मनाए। अब उन्होंने कूड़ा अपना साफ किया, स्नान करने के लिए चले गए। दोबारा फिर वो घटना घटित हो गई। दोबारा फिर वो जब स्नान करने के लिए वहां से गए, तो उसने क्या किया, उस दुष्ट ने कूड़ा कचरा संत एकनाथ जी के ऊपर डाल दिया। लेकिन उनको किसी प्रकार की कोई क्रोध नहीं, कोई चेहरे पर तनाव नहीं, वैसे ही जैसे उनका पहले भाव था भीतर। स्नान करते गए कहते हैं कि यह घटना 107 बार घटित हो गई। ना सो संतों ने अपने सहज स्वभाव को छोड़ा और ना उस बच्चे ने अपनी दुष्टता को। जब 108वीं बार कहते हैं कि वो स्नान करके आ रहे थे, उसने क्या किया, ऊपर से कचरा जो था वो वृक्ष के ऊपर से संत जी के ऊपर डाल दिया। जैसे ही डाला, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। संत नाराज नहीं हुए, लेकिन एकदम से जो ऊपर बैठा हुआ बच्चा था, उसका हृदय परिवर्तित हो गया, उसके अंदर चेंज हो गया कि कमाल है, मैंने कितना प्रयास किया लेकिन इनको क्रोध नहीं आया। एकदम से आकर चरणों में पड़ गया। कहने लगा ऐसा है महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बड़ी दुष्ट आत्मा हूं, मैं बड़ा दुष्ट हूं। तो संत एकनाथ जी ने, महाराज ने कहा कि ऐसा है, तू दुष्ट नहीं है, तू तो पुण्य आत्मा है। अरे तेरे कारण ही तो मुझे 108 बार डुबकी लगाने का अवसर मिला, अगर तू ऐसा ना करता तो आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त ना होता। तो ये संत का सहज स्वभाव होता है, संत अपने धैर्य को, संत अपनी सहजता को छोड़ते नहीं है। अगर ये क्वालिटी हमारे अंदर आ जाए एक सहनशीलता की, तो उससे बड़ी क्या बात होती है। लेकिन ये कब आती है, जब हमारे जीवन के अंदर सत्संग आएगा, संत महापुरुषों का संग आएगा। अगर हमारे अंदर अच्छा हमें साथ मिल गया, संत महापुरुषों का संग मिल गया, तो उससे बड़ी कोई जीवन के अंदर बात नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति ने, क्योंकि धूम कुसंगति कारक होई, लिखत पुराण मंजू मसी सोई, सोई जल अनल अनल सुदाता और जलत जग जीवन दाता। अगर हम धुएं को देखें, अगर वो कारक का संग करता है तो क्या होता है, काला हो जाता है। लेकिन अगर वही धुआं अगर पवन का संग कर लेता है तो जगत को प्रकाश देने वाला हो जाता है। है एक ही चीज, लेकिन एक तरफ अंधकार है लेकिन दूसरी तरफ प्रकाश है। अगर अच्छे का संग हमारे जीवन के अंदर आ गया, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है कि जिन जैसी संगति करे वैसे ही फल दीन। कदली सीप भुजंग मुख एक गुण तीन। स्वाति नक्षत्र की बूंद होती है, देखिए अगर वो कहते हैं कि केले के ऊपर पड़ जाती है तो काफूर बन जाती है, अगर सीपी के मुंह के अंदर चली जाती है तो वो मोती बन जाती है। लेकिन अगर वही सर्प के मुंह के अंदर बूंद चली जाती है तो जहर बन जाता है। यही हमारे जीवन के अंदर, अगर जीवन के अंदर कुसंग आ गया तो जीवन के अंदर परेशानियां आनी शुरू हो गई। लेकिन अगर हमारे जीवन के अंदर सत्संग आ गया, संत महापुरुषों का संग आ गया,
तो उससे बड़ी कोई जीवन के अंदर कोई बात नहीं है। क्योंकि तो कहो रहीम कैसे निभे केर बेर का संग। अगर गलती से कहते हैं कि गलत संग हो जाए, केले और बेर का संग हो जाए, तो क्या होता है? जो बेर है वो केले के पत्तों को चीर के रख देता है। और जीवन में ऐसा होता रहता है, कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा संगत, ऐसी सूरज आ जाती है जीवन के अंदर के इंसान परेशान हो जाता है। वो कहता है कि भाई मैं क्या करूं। कहने का भाव यह है कि जहां भी जाओ आप जीवन के अंदर अच्छाइयां ग्रहण करो, कोशिश करो कि अच्छा संग आपके जीवन में आए। कि साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव। कि साधु कैसा होना चाहिए? वो सूप की तरह होना चाहिए, छाज की तरह होना चाहिए। अब बात को आप समझना, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, जहां पर भी जाएंगे बस कोई ना कोई कमियां ढूंढनी शुरू कर देंगे कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। इंसान की क्या फितरत है, जहां पर भी जाएगा कोई ना कोई कमी, प्याज के छिलके की तरह वह उतारता जाता है। जहां भी जाओ जीवन के अंदर आप कोई ना कोई गुण वहां से लेकर आओ, अच्छाई आप लेकर आओ। कहते कि इंसान को कैसा होना चाहिए कि जैसे छाज है, छाज का क्या काम होता है, जो कूड़ा करकर होता है उसको वो उड़ा देता है। ऐसे ही इंसान को होना चाहिए, जहां भी हो जो अच्छाई है उसको वो ग्रहण कर ले, लेकिन जो बुराई है उसको छोड़ दे। लेकिन जीवन के अंदर होता क्या है कि कोई भी बुरा अगर कार्य है वो इंसान को ज्यादा प्रभावित करता है। जब हम कोई बुरा चिंतन करते हैं तो हमारे भीतर एक चेंज होना शुरू हो जाता है। अच्छाई इंसान जल्दी ग्रहण नहीं करता, लेकिन बुराई इंसान बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है। लेकिन एक बात का आपने ध्यान करना, अगर आपका कुसंग हो गया, कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अगर मिर्चों वाले बाजार में चला जाता है, वो मिर्चें ना भी खरीदे लेकिन आंखों में आंसू जरूर आ जाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति फूलों वाले बाजार में चला जाए और दो चार फूल अपनी कैप के अंदर रख ले, और अगर वो वापिस आएगा भले ही वो फूलों को ना खरीदे, लेकिन उसकी सुगंध उसके घर तक आती चली जाएगी। ये हमारे जीवन के अंदर, ये हमने अब सोचना है। एक मक्खी तो वो होती है, कहते हैं कि जो शहद की मक्खी होती है, लेकिन एक मक्खी होती है जिसको हम सिंपल कहते हैं। लेकिन शहद की मक्खी के अंदर एक खूबी होती है, वो जब भी बैठती है फूल के ऊपर बैठती है। लेकिन जो वैसे सिंपल मक्खी होती है, जहां पर भी कूड़ा कचरा मिलेगा वो वहां पर बैठ जाएगी। अब ये जीवन में हमने सोचना है कि हमें किस मार्ग पर जाना है। हमें अगर ऊंचाई को तय करना है अपने जीवन के अंदर, तो हमें सत्संग की जरूरत है। वो सत्संग अगर हमारे जीवन के अंदर आ गया, देखिए कोई भी व्यक्ति कितने भी उसके अंदर गुण हो, अगर एक भी अवगुण जीवन के अंदर आ गया तो वही काफी है, उसके पतन का कारण बन जाता है। हजूर गुरु रामदास जी, समर्थ गुरु कहते हैं कि रामदास जी एक बार भ्रमण पर निकले हुए थे जन जागरण अभियान में, और धर्म ध्वजा लेकर वो जा रहे थे। जैसे ही वो वहां से निकले, सारी संगत उनके साथ थी, सब चलते जा रहे थे। लेकिन रास्ते में क्या हुआ कि जब वो जिस मार्ग से जा रहे थे, बात को आप समझना, जिस मार्ग से वो जा रहे थे उस मार्ग के अंदर एक पेड़ वहां पर बीच में रास्ते में आ गया, एक वृक्ष आ गया। अब उन्होंने उस जो धर्म ध्वजा थी उसको नीचे झुकाना अच्छा ना समझा। उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि भाई ऐसा है कि आप ऐसा करो कि इस वृक्ष को देख कर आओ। उन्होंने देखा, देख कर कहने लगे, महाराज ऐसा है कि उस वृक्ष को जब तक हम नहीं काटेंगे, उसकी टहनियों को नहीं काटेंगे, तब तक हम इस मार्ग से गुजर नहीं सकते। लेकिन उन्होंने गौर से जब देखा, उसके नीचे एक कुआं था। उन्होंने आकर कहा, महाराज ऐसा है गुरुजी, इस वृक्ष के टहने को काटना पड़ेगा, जो मुख्य इसका टहना है। अब सब सेवकों को बुलाया,
सब डर गए, कहने लगे महाराज ये हमारे बस का रोग नहीं है। लेकिन उनके ही एक शिष्य थे जिनका नाम था अंबादास, जो ये कहते थे कि यह तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, कि अगर मेरे पास ये शीश है तो ये मेरे गुरु का दिया हुआ शीश है। कहने लगे महाराज आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ये कार्य करूंगा, मैं इस वृक्ष को काटूंगा लेकिन धर्म की ध्वजा को नीचे नहीं उतरने दूंगा। अंबादास ने क्या किया, वो मुख्य टहने पर बैठ गए, लोगों ने मना किया, गुरुजी को कहा कि ये क्या करवा रहे हैं आप। उन्होंने कहा कोई बात नहीं तुम अपना काम करो। अब अंबादास ने क्या किया, उसका जो मुख्य टहना था उसको काटा। आप देखिए कि नीचे कुआं था, वो टहन इस प्रकार से कहते हैं कि एकदम से वो बीच में गिरा और वो एकदम अंबादास सुरक्षित वहां पर जैसे बैठे हुए थे जैसे किसी नौका के अंदर बैठे हुए। सारे सेवक देखकर हैरान हो गए, भाई कमाल हो गई। समर्थ गुरु रामदास जी आए, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि तुमने आज ऐसा कार्य कर दिया, ये बहुत बड़ा कार्य है। कहने लगा महाराज ये तो आपकी कृपा है। कहने लगे तुमको डर नहीं लगा, अगर कोई घटना घटित हो जाती तो? आप देखिए अंबादास जी ने क्या कहा। अंबादास जी ने कहा महाराज मुझे ये ऐसा विश्वास था, ये जो गुरुदेव होते हैं, ये जो संत होते हैं, ये तो जीवों को संसार से पार कर देते हैं, ये अगर केवल छोटा सा कुआं है तो क्या इस कुएं को पार नहीं कर सकते? और मेरे गुरु में तो इतनी समर्थ गुरु रामदास में शक्ति है कि वो तो भव से भी पार कर सकते हैं। मुझे ऐसा विश्वास मेरे भीतर हो गया। गुरु रामदास ने कहा कि बस, उन्होंने कहा ये महाराज आपने मेरा कल्याण कर दिया। कहने लगे कल्याण मैंने नहीं किया, कल्याण तुम्हारे विश्वास ने किया, कल्याण किया तुम्हारी निष्ठा ने, कल्याण किया तुम्हारी श्रद्धा ने। और हमारे भीतर अगर विश्वास हो जाए, हमारे भीतर अगर श्रद्धा हो जाए और हम जो भी कार्य करें, शुभ कर्म करें, तो हमारे जीवन के अंदर कोई परेशानी आ नहीं सकती। कि जिसके ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसा पावे, जिसके ऊपर सतगुरु की नजरें इनायत है उसका कुछ बाल बांका नहीं हो सकता। मीरा को आप देख लीजिए, हर वक्त वो लगन लेती थी, उस कृष्ण का जाप करती रहती, प्रभु का सिमरन करती रहती, तमाम लोग उसके खिलाफ हो गए। उसके पिता ससुराल में जब मीरा बाई गई तो वहां पर भी जाकर उन्होंने कहा, मना किया कि तुम प्रभु का सिमरन ना किया करो। लेकिन जिसको उसकी लिव लग जाती है, जो दीवाना हो जाता है, उसके लिए कोई सुख सुख नहीं, दुख दुख नहीं, उसको किसी चीज का एहसास नहीं होता। जब हम उसके ऊपर छोड़ देते हैं फिर हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। आप देखिए उसको मारने के लिए उन्होंने क्या किया, दूध के अंदर विष डालकर भेजा, लेकिन मीरा का कुछ नहीं बिगड़ा। एक डिब्बी के अंदर कहते हैं कि सांप को बंद कर दिया और मीरा के पास भिजवाया, उसने कहा कि ये तो मेरे प्रभु का, ठाकुर का प्रसाद है। लेकिन इसका एहसास वो भक्ति कर सकते हैं जिनके भीतर वो विश्वास है, वो श्रद्धा है, वो निष्ठा है। देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। कहले कहते थे कि सत्यमेव जयते, कि सदा सत्य की जय होती है। लेकिन आज क्या हम कहते हैं कि जो जीत गया उसकी जय, वो कैसे जीता इसका कोई हमारे साथ ताल्लुक नहीं, हमारा कोई सरोकार उसके साथ नहीं है कि वो व्यक्ति कैसे जीता। लेकिन जो जीत गया बस उसका ही उद्घोष गाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे राष्ट्र की एक ऐसी संस्कृति, हमारे राष्ट्र का एक ऐसा गौरव, हमारे राष्ट्र का एक ऐसा इतिहास, ये जो सत्संग होते हैं, उन्हीं गौरवशाली जो हमारे प्रतिभाशाली, जो हमारे देश के एक ऐसे संत महापुरुष हुए हैं जिनसे हम कुछ सीखते हैं, यह हमारे भारत का जो गौरव। अगर हम महाराजा दशरथ की बात करें, जिन्होंने सत्य के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया, कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन ना जाई, जो बात कह दी बस उस पर अटल।
महाराजा हरिश्चंद्र की अगर बात करें, जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए अपने बेटे अपनी पत्नी तक को बेच दिया, यह हमारे देश का एक गौरवशाली इतिहास है जिससे हमने कुछ सीखना है। लेकिन आज हमारे जीवन के अंदर क्या है, सत्य की राह पर कहते हैं कि अगर 1000 लोग चलते हैं तो 100 लोग वहां पर पहुंचते हैं, और अगर 100 लोग वहां से चलते हैं तो 10 लोग वहां पर पहुंचते हैं, और अगर 10 लोग चलते हैं तो एक व्यक्ति वहां पर पहुंचता है, क्योंकि एक ही सत्य है। उस एक को हमने समझना है, उसकी सच्चाई को हमने समझना है। सती ने जरा सा झूठ बोला था, भगवान शंकर को यह कह दिया, क्योंकि भगवान शंकर ने यह पूछा सती देखकर, उन्होंने कहा कि राम ब्रह्म है या नहीं। अब उसने थोड़ा सा झूठ बोल दिया। भगवान शंकर ने क्या किया, 86,000 वर्षों तक समाधिस्थ के अंदर चले गए। भगवान शंकर हमें यह भी बताना चाहते हैं कि कभी अगर कोई बात हो जाए तो अपने शब्दों पर जरूर कंट्रोल रखो, अपने धैर्य को अपने संयम को मत खोलो, उससे आप बाहर मत जाओ। भगवान शंकर ने सती को यह नहीं कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि अगर मैं सच बोलता हूं तो दूसरा व्यक्ति टूट जाता है, और अगर मैं झूठ बोलता हूं तो खुद टूट जाता हूं। जो इंसानियत वाला व्यक्ति होगा वो मन के अंदर ये बात जरूर सोचेगा, बुराई में अगर ताकत है सबको तोड़ने की तो सच में ताकत है सबको जोड़ने की, ये भी बात ध्यान में रखना। जब कोई व्यक्ति जरा सा कोई अपने परिवार के साथ अगर हम छोटी सी भी गलती कर जाते हैं, झूठ बोल जाते हैं, उस झूठ को छुपाने के लिए ना जाने हमें क्या क्या करना पड़ता। हम अपने अतीत में जाएं, अपने इतिहास के अंदर जाएं, अपने उन क्षणों को याद करें कि हमने जरा सा झूठ बोला था। आप होते कहीं हैं और बताते कहीं हैं, क्योंकि इंसान की ये फितरत हो गई है, इंसान की ये सोच हो गई है। इंसान ने घर बदला, इंसान ने रिश्ते बदले, फिर भी इंसान परेशान है। उसका कारण क्या है, क्योंकि इंसान ने अपने आप को नहीं बदला। हमारी कथनी और करनी के अंदर फर्क है, हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, लेकिन अपने जीवन में हम उसको उतारने का हम प्रयास नहीं करते। ये जितने भी सत्संगों के आयोजन किए जाते हैं ये प्रेरणा के लिए किए जाते हैं कि हम भी उनसे कुछ सीखें, और अगर हम उससे ना सीखेंगे तो क्या होगा। आप देखिए युधिष्ठिर के अगर हम इतिहास के अंदर जाएं, आपने बहुत महाभारत पढ़ी होगी, लेकिन उसकी गहनता में अगर आप उतरें, हम उसको कहते हैं कि धर्मराज, धर्म से पूर्ण जिसके जीवन के अंदर धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म का मतलब कि जो सच्चाई के साथ चलता रहता है। मैं पढ़ रहा था कि युधिष्ठिर जब स्वर्गारोहण की यात्रा पर निकले, हिमालय की तरफ जा रहे थे, बात को आप समझना, आपने कथाएं सुनी होंगी, लेकिन उसकी गहनता में आप उतरना कि हमारे लिए वो क्या एक प्रेरक, हमारे जीवन के अंदर क्या उनके जो उन्होंने हमें बताया, हमने उसको किस प्रकार से अपने जीवन में आत्मसात करना। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि जब स्वर्ग रोहन की तरफ जा रहे थे हिमालय की तरफ, तो उनके जितने भी भाई थे एक एक करके सब गिरते जा रहे थे, भीम नकुल सहदेव एक एक करके गिरते जा रहे थे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि वो दुनिया की वास्तविकता को, संसार की वास्तविकता को जानते थे कि जो दुनिया के अंदर आया है उसने जाना ही है। लेकिन युधिष्ठिर के साथ कहते हैं कि एक कुत्ता था, एक सवान। जब युधिष्ठिर महाराज ने आगे कदम रखे तो सामने से एक वाहन आ गया। युधिष्ठिर महाराज को ले जाने के लिए स्वर्ग के अंदर देवता लोग आए, देवताओं ने वाहन को उतारा, जैसे ही वहां पर खड़ा किया, संकेत किया युधिष्ठिर जी की ओर कि चलिए आपने स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में जाने के लिए विमान आ गया। अब युधिष्ठिर महाराज क्योंकि धर्म से परिपूर्ण थे,
हमेशा सत्य का साथ देते थे, धर्म का साथ देते थे। अब उन्होंने क्या किया आप देखिए, जब वो बिठाने लगे कहने लगे ऐसा है कि अगर मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो मेरे साथ ये जो मेरा कुत्ता है ये भी जाएगा, क्योंकि ये मेरी शरण के अंदर है और मैं किसी शरणगत को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि इस कुत्ते ने मेरा सुख के अंदर भी साथ दिया, मेरा दुख के अंदर भी साथ दिया। अगर मेरा दुख के अंदर साथ दिया है, आज मैं सुख के अंदर इसको साथ ना ले गया तो ये ठीक नहीं है। देवताओं ने कहा कि ऐसा अगर ये स्वान इसके अंदर बैठेगा हमारे विमान के अंदर तो आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि स्वर्ग या नर्क मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता, लेकिन मैं किसी शरणाधीन जो मेरी शरण में है मैं उसको छोड़ नहीं सकता, मैं उसको अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। इसको हम कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर। आखिर देवता झुक गए। झुकने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, जैसे आप कहते हैं। उन्होंने क्या किया युधिष्ठिर महाराज ने, उन्होंने उस कुत्ते को, वो जो स्वान था, उसको भी उसके अंदर बिठा लिया। लेकिन एकदम से वो जो स्वान था उसका रूप बदल गया और एकदम से वो धर्मराज बन गए। उन्होंने कहा ऐसा युधिष्ठिर, हम तो तेरी परीक्षा ले रहे थे कि तुम्हारे जीवन के अंदर धर्म कितना है, सच्चाई कितनी है, लेकिन यहां भी बात खत्म नहीं हुई। जब वो स्वर्ग के अंदर नहीं गए क्योंकि वो डोग बैठ गया, लेकिन ये बात चलती रही। आखिर में देवता लोग मान गए, वो वहां से चले। जब स्वर्ग के दरवाजे पर वो पहुंचे तो वहां पर उनको चीलने चिल्लाचे की आवाजें आई। उन्होंने उनसे पूछा भाई ये कौन लोग हैं, किनकी आवाजें आ रही है। कहने लगे ये आपके भाई बंधु हैं, आपके भ्राता लोग हैं, ये रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कहने लगे ये सब कहां है। कहने लगे महाराज ये तो नर्क के अंदर हैं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि ऐसा है, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। अगर मेरे भाई भूखे हैं, मेरे भाई परेशान हैं, मेरे भाई बिलख रहे हैं, तो मेरा धर्म नहीं बनता कि मैं स्वर्ग के अंदर जाऊं, मैं स्वर्ग को भी ठुकरा दूंगा। देवताओं ने कहा भाई कमाल है, आप स्वर्ग को ठुकरा रहे हैं लेकिन आप नरक में जा रहे हैं। कहने लगे नहीं, मैं अपने भाइयों को, अगर छोटे भाइयों को अगर मैंने देखा वो सब परेशान हैं, मेरे बंधु परेशान हैं, तो मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। आप देखिए कि युधिष्ठिर महाराज, उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, उनको आप नरक के अंदर वो ले गए। जब नरक के अंदर ले गए और जैसे ही युधिष्ठिर महाराज वहां पर नरक के अंदर पहुंचे तो उनकी खुशबू से कहते हैं कि सारा जो नरक था उसके अंदर बड़ी सुगंधित आनी शुरू हो गई। वहां पर दुर्योधन भी बैठा हुआ था। सोच देखिए, नजरिया देखिए। दुर्योधन ने एकदम से कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि कोई पुण्य आत्मा यहां पर आ गई है आज नरक के अंदर। अब उनको पता लगा कि युधिष्ठिर महाराज आ गए हैं। वो गदगद हो गया भीतर से कि ऐसा आनंद, ये आनंद वो था जो हमारे युधिष्ठिर जी ने जो पुण्य कमाया था, जो शुभ कार्य किए थे, उसकी खुशबू वहां पर पहुंच गई। महक गया सारा जो नरक था। वहां के जितने प्राणी नरक के अंदर थे युधिष्ठिर महाराज की वजह से, उनको भी आनंद आना शुरू हो गया। वो नरक के अंदर रहते हुए भी स्वर्ग का एहसास करना उन्होंने शुरू कर दिया। और युधिष्ठिर महाराज ने एक बात कही, कहने लगे ऐसा है कि मैं नरक के अंदर हूं, हे परमात्मा, अगर जीवन के अंदर मैंने कोई सत्य किया है, मैंने अगर कोई पुण्य किया है, तो ये जो नरक के अंदर भी प्राणी है इसको स्वर्ग का आनंद दे दो। तमाम वहां पर जितने भी लोग थे उनको स्वर्ग का आनंद आना शुरू हो गया। और उन्होंने कहा कि अगर मैंने जीवन के अंदर कोई शुभ कार्य नहीं किया तो मेरे लिए ये जो स्वर्ग है वो भी नरक बन जाएगा। ये इंसान के अंदर ही है। इंसान चाहे तो स्वर्ग बना सकता है अपने अच्छे कार्यों से, और इंसान चाहे गलत कार्य से, गलत संग से, अशुभ कर्मों से सब कुछ बेकार कर देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सत्यमेव जयते, सदा सत्य की जय हो। ये ऐसे नहीं क्योंकि हमारा जो इतिहास, हमारी जो संस्कृति, हमारे जो महापुरुषों का गौरव है, उसको जब हम याद करते हैं और अपने जीवन में अगर उन क्वालिटियों को ले आए तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है। अगर पार जाना
चाहते हो भगवन चरण गंगा जल से धुलाने पड़ेंगे अदर पार जाना चाहते हो भगवन चरण गंगा जल से धुलाने पड़ेंगे प्रभु मैं तुम्हारा मरम जानता हूँ नियम जो कहूँ गाने भाने पड़ेंगे अगर पार जाना अब केवट ने कहा पैसा है प्रभु यदि आपको पार जाना है तो आपको सशर्त जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे मालूम है कि ये जो भगवान हैं ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है राम ये तो प्रभु हैं ना कोई मैंने जप किया ना कोई मैंने तप किया आज प्रभु आए हैं अपनी जरूरत से आए हैं और प्रभु मुझे ये भी पता है कि आपकी चरण रज के अंदर ऐसी शक्ति है कि पत्थर को ऋषि पत्नी बना देती है और महाराज ऐसा है कि पत्नी तो एक ही अच्छी होती है महाराज अब महाराजा दशरथ को देखिए तीन तीन पत्नियां हैं कितने परेशान हो रहे हैं क्योंकि आज व्यक्ति कोई घर वाली कोई बाहर वाली ऐसा भी फेल करना शुरू कर देता है तो क्या कहा केवट ने इन शब्दों के द्वारा अहिल्या बना सशर्त जाना है गंगा जी मानस के अंदर जो कि एक निष्काम घाट होता है एक सकाम घाट होता है जो सकाम घाट होता है वहां पर तो लोग फल फूल लगाते हैं और एक निष्काम घाट होता है जहां पर लोग स्नान करते हैं आज जो केवट है वो निष्काम घाट पर खड़ा हुआ है आज भगवान को भक्त से मांगना पड़ रहा है केवट ने एक बात और कह दी ऐसा है प्रभु यदि आपको जाना है तो आप चले जाइए यहाँ पर कटी के बराबर जल है लेकिन मुझे एक बात पता है आपका मर्म ये पता है कि आपको तैरना नहीं आता आपके को केवल तारना आता है जब ये बात भगवान ने सुनी लक्ष्मण ने सुनी कि तारना आता है तैरना इनको आता नहीं भगवान ने कहा हाँ बिल्कुल ये बात सही है केवल हम तारना जानते हैं तैरना हमने सीखा भी नहीं है तो क्या कहा प्रभु ने इन शब्दों के द्वारा सुनी सारी शर्ते तो रघुबर ये बोले यही है तमन्ना तो जी भर के धोले सुनी सारी शर्ते तो रघुबर ये बोले यही है तमन्ना तो जी भर के धोले भक्ति अपने रूठे मनाने पड़ेंगे अगर पार जाना अब जिस मर्म को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान सके लेकिन उस मर्म को केवट जानता था केवट ने कहा ऐसा है प्रभु एक बात बताऊं आपकी और मेरी जाति भी एक है बस फर्क ये है
कि आप थोक के विक्रेता हैं और मैं जो हूँ रिटेल का विक्रेता हूँ, हम दोनों का काम भी एक ही है महाराज। कहने लगे क्या आप, मेरा काम है गंगा से पार कराना और आपका काम है भवसागर से पार कराना। भगवान ने कहा अरे भैया केवल एक बात तो बताओ, और भी लोग तेरे यहाँ आते होंगे घाट पर, सबके साथ ऐसा ही करता है। अब जैसे ही कहा केवट ने कहा नहीं महाराज मैं सबके साथ ऐसा नहीं करता। भगवान ने कहा भैया केवट हमने तेरा क्या बिगाड़ा है। केवट ने कहा प्रभु याद करो जब कोई भक्त आपके पास आता है, आप कहते हो कि भैया भजन किया के नहीं, माँ बाप की सेवा किया नहीं, अच्छे कार्य किए नहीं, कितनी लंबी चौड़ी आप सूची बना देते हैं, महाराज अगर मैंने ऐसा कर दिया तो क्या कह दिया। भगवान ने कहा ठीक है केवट जो तुझे करना है कर। केवट ने क्या कहा आगे, चरण रज की मैं घी मां